सतपुड़ा अंचल की वादियों के विगत कई सालों से निर्माताओं को अपनी ओर खींच रही है और पुराने समय में कई फिल्मों की शूटिंग छिंदवाड़ा जिले में की गई है, पर अब एक बार फिर छिंदवाड़ा में बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। मुंबई की फिल्म निर्माण कंपनी एवं नाट्य गंगा छिंदवाड़ा के सहयोग से छिंदवाड़ा के विभिन्न स्थानों पर इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली है। 16 फरवरी से 13 मार्च तक कुल 25 दिन तक इस फिल्म की शूटिंग छिंदवाड़ा जिले में की जाएगी। यह फिल्म एक 6वीं क्लास के बच्चे और उसके शिक्षक के इर्द गिर्द चलती है, जिसकी पृष्ठभूमि छिंदवाड़ा है। इस फिल्म को विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। छिंदवाड़ा के होंगे कलाकार। फिल्म की विशेषता यह होगी कि इसमें अभिनय करने वाले अधिकतर कलाकार छिंदवाड़ा के होंगे। इस फिल्म में सभी आयु वर्ग के लोग अभिनय करेंगे, जिन्हें छिंदवाड़ा से ही चयनित किया जाएगा। आज होगा ऑडिशन में अभिनय करने के लिए बच्चों एवं बड़ों का चयन ऑडिशन के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आज रविवार को दोपहर 1 बजे से नाट्य गंगा के संत जोसेफ स्कूल के सामने स्थित कार्यालय में ऑडिशन किया जाएगा, जिसमें 10 से 12 वर्ष के लड़के, 13 से 15 वर्ष की लड़की, 35 से 45 वर्ष की महिलाएं, 20 से 22 वर्ष का लड़का, 30 से 50 वर्ष के पुरुष भाग ले सकते हैं। फिल्म का निर्देशन छिंदवाड़ा की बेटी देवयानी अनंत करेंगी। शहर के सुप्रसिद्ध संगीतकार एवं अनंत रोडे की सुपुत्री हैं। विगत 10 वर्षों से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में काम कर रही हैं। अब्बास मस्तान, प्रकाश झा, नागेश कुकनूर, कुणाल कोहली, अतुल आदि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया है। रेस 2, सत्याग्रह, लक्ष्मी, वर्तक नगर, जीने की उम्मीद, तुमसे ही, इल्हाम आदि मशहूर फिल्मों में से निर्देशन का काम किया है। जी, ये फिल्म बाइसिकल, ये एक 11 साल का बच्चा है, 6वीं में पढ़ता है, उसकी कहानी है, उसके अपनी कहानी होती है, और एक 23 साल का लड़का है जो उसका टीचर है। ये कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द होती है। हमें अपनी लाइफ से कुछ चाहिए होता है, हर एक पड़ाव में हमें कुछ चाहिए होता है। हम कुछ डिजर्व करते हैं और हम सोचते हैं कि ये मिलना चाहिए, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो हमारा मोरल डाउन होने लगता है, हम गलत सोचने लगते हैं, चीज़ें खराब होने लगती हैं, तब हमें कोई चाहिए होता है जो हमारा हमें समझे। और बच्चों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उस समय ये जो 23 साल का शेखर है, जिसका कैरेक्टर का नाम शेखर है, वो आशीष जो 10 साल का बच्चा है उसको संभालता है और अपने टीचर की जो टीचर का जो कर्तव्य है वो निभाता है। तो ये कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। बहुत ही खुशमिजाज सी कहानी है और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग देने वाली कहानी है ये। इसके 100% कास्टिंग, सारी कास्टिंग छिंदवाड़ा से हैं। हम लोग अभी भी कास्ट कर रहे हैं और अगर इन केस हमको कोई कैरेक्टर नहीं मिल पाया यहाँ से, तो ही हम बाहर से किसी को कास्ट करेंगे, अदरवाइज सारी कास्टिंग यहीं की है। 100% शूटिंग छिंदवाड़ा की है, क्योंकि कहानी ही छिंदवाड़ा की है। जब मैंने कहानी लिखी थी तो मतलब इमेजिनेशन में भी छिंदवाड़ा ही था, तो कहानी ही छिंदवाड़ा की है, तो कास्टिंग और लोकेशन सारे छिंदवाड़ा के हैं। कल 1 बजे से ऑडिशन है सेंट जोसेफ स्कूल के सामने, नाट्य गंगा का ऑफिस है वहाँ पर। 10 से 12 साल के लड़के, 14-15 साल की लड़की और महिलाएं, 30 से 40 साल की महिलाएं और 30 से 50 साल के पुरुष और 20 से 25 साल के लड़के, इन लोगों की कास्टिंग हमें करनी है। तो 1 बजे से कल संत जोसेफ के ऑपोजिट नागरिका का ऑफिस है, वहाँ पर ये कास्टिंग होगी। मैम, ऑडिशन निशुल्क है या चार्जेस वगैरह? जी, बिल्कुल निशुल्क है। हम लोग जब किसी को कास्ट भी करेंगे तो हम उनसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे। आगे भी, इन फ्यूचर भी, जब फिल्म पूरी बन जाएगी तब भी हमारे तरफ से कोई भी किसी की भी चार्जेस नहीं है। आई एम ग्रेटफुल टू देम कि वो लोग मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं एक्चुअली मतलब धन्यवाद दूंगी उन लोगों को जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस। मैम, छिंदवाड़ा के जो कलाकार रहेंगे उनके लिए निशुल्क मतलब भागीदारी रहेगी फिल्म में या फिर चार्जेस वगैरह कुछ होगा उसका? जी, उनके क्षमता और उनके रोल के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा। जी, बाकी निशुल्क रहेगा सब कुछ? जी बिल्कुल निशुल्क है। मतलब मैं कुछ भी नहीं चाहती, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि काम अच्छा हो, वो बहुत अच्छा काम करें, जो कि है। छिंदवाड़ा में आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, बस एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने भी अभी 3 महीने हो गए ये एक प्रोजेक्ट बना के और प्रोजेक्ट यहाँ पर आके लोगों को ऑडिशन करके, तो मैंने भी देखा है कि आर्टिस्ट बहुत हैं, बस एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो कहीं तो भी वो पीछे रह जाते हैं। तो बाकी मुझे उनसे और कोई उम्मीद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम करें, हम सब मिल के काम करें। मैं अकेली नहीं हूँ, इट्स अ टीम वर्क।
तो मैं चाहती हूँ मेरे आर्टिस्ट, मेरे टेक्नीशियंस या छिंदवाड़ा के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन सारा हमारे साथ है और इसे टीम वर्क, हम साथ में मिलकर काम करेंगे और जी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी शुल्क नहीं है। मैम आप भी छिंदवाड़ा से ही बिलोंग करते हैं? जी मेरा बर्थ भी यहीं का है और मेरा 12वीं तक का स्कूलिंग भी यहीं पर है और उसके बाद मैं विदिशा पढ़ने चली गई थी और उसके बाद फिर मैंने फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना चालू किया था। ओके थैंक यू।